अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट हमें किस वक्त होता है? जब हम कोई चीज़ कम कीमत पर ख़रीदें और उसको महंगी कीमत पर फरोख्त कर दें, तो इस सूरत में हमें फ़ायदा होता है। जब कोई चीज़ कीमतें ख़रीद से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो, तो इस सूरत में हमें फ़ायदा या मुनाफा होता है। जब कोई चीज़ कीमतें ख़रीद से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो, इस सूरत में हमें क्या होता है? फ़ायदा। अब हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह हमने एक एग्जांपल लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सना बाय अ मोबाइल विद RS 3000 एंड सेल इट विद RS 5000, फाइंड इट्स प्रॉफिट। कि सना ने एक मोबाइल 3000 रुपये में ख़रीदा और इसने इसको सेल किया 5000 रुपये में, तो इस सूरत में उसको फ़ायदा हो रहा है ना। तो हमने उसकी निकाल लेनी है कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कीमतें ख़रीद कितनी है? 3000 रुपीस। एंड सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है 5000 रुपये। तो प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस मनफी कॉस्ट प्राइस। तो उसने सेल कितने का किया है? 5000 रुपये का। और मनफी कॉस्ट प्राइस, उसने ख़रीदा कितने का था वो मोबाइल? 3000 रुपये का। तो 5000 रुपये में से 3000 रुपये निकालने पीछे कितना बच गया? 2000 रुपये। तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया? 2000 रुपये। तो उसको 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ है कि उसने एक मोबाइल 3000 रुपये का ख़रीदा था और 5000 रुपये का सेल किया है। तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकाल ली। कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? कीमतें ख़रीद 3000 रुपये और कीमतें फ़रोख्त कितनी है उसकी? 5000 रुपये। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस मनफी कॉस्ट प्राइस, के कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें ख़रीद निकाल दें। तो कीमतें फ़रोख्त कितनी है? 5000 रुपये और कीमतें ख़रीद कितनी है? 3000 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 2000 रुपये। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसका फार्मूला ये प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अली बाय अ पेन विद RS 50 रुपीज़। कि अली ने एक पेन को 50 रुपये का ख़रीदा, यानी उसकी कीमतें ख़रीद कितनी है? 50 रुपये। एंड सेल इट विद RS 100 और उसकी कीमतें फ़रोख्त कितनी है? 100। फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हम कीमतें ख़रीद निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 50 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है उसकी 100। तो हमने उसका प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट का फार्मूला है SP सेलिंग प्राइस मनफी कॉस्ट CP कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी उसकी? 100। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50। तो 100 में से 50 निकालें कितना आ गया? 50। ये उसका आ गया, तो ये आ गया उसका प्रॉफिट। कितना आ गया उसका? 50 रुपये। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना आया उसका? 50 रुपये। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस भी उसकी कितनी थी? 50 रुपये। और ज़र्ब 100। तो ये 50 100 के साथ ज़र्ब खा रहा और 50 ये तकसीम हो रहा, तो ये 50 एक से कट गया। पीछे कितना बच गया? इधर भी एक बच गया था, इधर भी एक और ये ज़र्ब 100 हो रहा है। तो एक तकसीम एक एक ही आएगा, एक ज़र्ब 100। तो हमारे पास कितना आ गया? 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास? फिर 100 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास? 100 रुपीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉस क्या है और लॉस परसेंटेज क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।